दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव ने शीस काटा है दक्ष का, तब से ये नियम चला है। भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से भगवान कृष्ण ने उद्धार किया है कंस का, तब से नियम चला है। कुमारी कन्या से पैर नहीं छुलवाने चाहिए, साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। एक सन्यासी किसी के पैर नहीं छूता अपने गुरु के अतिरिक्त। इसलिए योगी आदित्यनाथ को देखो, किसी भी सभा में देख लो, किसी के पैर नहीं छूते, सब उनके छूते हैं। कोई व्यक्ति लेटा हुआ या सोया हुआ है, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। केवल मरे हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं, बाकी लेटे हुए या सोए हुए व्यक्ति के हम पैर छूना वर्जित मानते हैं। मंदिर में अगर कोई व्यक्ति है तो मंदिर के भीतर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। अगर मंदिर में आप किसी के व्यक्ति के पैर छूते हैं तो इसमें जो साक्षात जो देव प्रतिमा है मंदिर में, उसका अपमान है, क्योंकि उस देव प्रतिमा से, उस ईश्वर की प्रतिमा से बढ़कर उस मंदिर में कुछ भी नहीं है और आप किसी इंसान के पैर छू रहे हैं। कोई अगर अशुद्ध स्थिति में, अशौच स्थिति में, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, अपनी माला कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है और तुम जाकर उसके चरणों को छू दो, तो नहीं छूने चाहिए। वो पूजा पाठ कर ले, अपना नियम कर ले, उसके बाद आप उसके पैर छू सकते हो। तो ऐसे 9 लोग हैं जिनका पैर छूना या छुलवाना किसी भी स्थिति में वर्जित माना जाता है।